समीर, एक बात बताइएगा, जैसे हमें कोटा में रहते हुए इतना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स, तो आपको क्या एनर्जी सेंस होती है कोटा की? क्योंकि यहाँ इतने स्टूडेंट्स भी हैं, हब है, तो स्पिरिचुअल लेवल पर क्या फील आता है? कोई भी स्पिरिचुअल लेवल पे होगा ना आदमी यहाँ पे, अगर उसको सूक्ष्म में जरा भी सेंस होता होगा, तरंगे हैं अगर वो पकड़ पाता होगा तो पकड़ लेगा। बहुत डिप्रेशन है, अच्छा, बहुत डिप्रेशन है, बहुत थके रहे हैं यहाँ की। मुझे तो इतनी दया आती है यहाँ पे बच्चों को कि कैसे रहते होंगे ये लोग, कैसा अजीब सा माहौल है, कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितनी इच्छाएं हैं इन लोगों की, कितने कम लोग सक्सेसफुल हो पाते होंगे, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, बेचारे जी जान अपनी लुटा देते हैं यहाँ पे। छोटी सी उम्र में। मेरा एक फ्रेंड भी आया था बहुत पहले, उस समय की बात है, डिप्रेशन में चला गया था वो, तो उसके घर वालों ने वापस बुला लिया उसको। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था, 1-2 महीने में मेरे को फील होने लग गया था, तरंगें महसूस होती हैं अलग अलग जगह पर, हर शहर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ की ये फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को कैसे लें स्टूडेंट्स जो यहाँ तैयारी करने आते हैं? वो क्या करें कि वो इस चीज़ से कुछ बच पाएं और इस ट्रैप में ना फंसें, इस एनर्जी फील्ड में ना फंसें? एनर्जी जो आती है, नेगेटिव एनर्जी उन लोगों पे ज़्यादा आती है जो इमोशनल होते हैं और जो लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जो दुखी रहते हैं, उनको ज़्यादा पकड़ता है डिप्रेशन और ये नेगेटिव एनर्जीज। तो सबसे पहले तो खुद से प्रेम करो और हाई थॉट्स रखो खुद के लिए। अच्छा, एक बार दिमाग में अच्छे से अपने अंदर ये बात इंस्टिल कर लो कि यू कैन ओनली प्रॉमिस योर एफर्ट्स, यू कैन नॉट प्रॉमिस योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट्स आपके हाथ में केवल, सही बात है। बाकी जो भी होगा नहीं भी होगा उसमें आपका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है उसमें। बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं, आपकी खुद की डेस्टिनी है, बहुत बातें हैं, ईश्वर की इच्छा होती है उसमें। दूसरी बात, हमारे जो नियम लग रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, बहुत सारी बातें, आपको भी मालूम है क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दुखी जब होना चाहिए, गिल्ट जब आना चाहिए, जब आपने कोशिश ही नहीं करी, उसके अलावा गिल्ट नहीं आना चाहिए। इतना तो हक बनता है आपका, इतना तो हक हक रखो आप स्वयं के साथ, इतना जस्टिफाई तो करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगे ना आप यार खुद की। ऑनेस्ट एफर्ट्स करो, मतलब अपने बेस्ट एफर्ट्स कर दो जो कर सकते हो। बाकी सब छोड़ देना चाहिए, बाकी कोई बेकार की बातें मत लाओ देखो। पेरेंट्स फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है, बच्चे बहुत बताते हैं। गलत बात है, पेरेंट्स का ये काम है कि अपने बच्चे की कैपेसिटी देखो, उसकी पोटेंशियल देखो और एक प्लान भी तैयार करके रखो आप। इतना आसान नहीं है ये सब यार, समय बदल गया, आपके समय पे सरकारी नौकरी लग जाती थी फट से। बच्चा है, छोटा है, वो कहीं कहीं एंड्स पे लड़ रहा है वो बेचारा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑनेस्ट ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, हाँ, उनकी बात नहीं कर रहा जो नहीं कर रहे हैं अच्छे से काम, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन में वही आते वो हैं। ही आएंगे बिल्कुल। उनकी गलत बात है और इसमें आप उनको बोल दो, बोले मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने मेरे मेरी पूरी मेहनत करी है, उसके बावजूद नहीं हो रहा, तो उसके उसके अलावा कोई कोई उसका वो नहीं रहता है। उनको प्लान करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए रास्ता बनाए वो निकाले। आप छोटे हो, आप छोटे ही रहो, बच्चे हो आप, और एक लेवल से ज्यादा डाउन मत जाना। एक लेवल से डाउन जाओगे तो सेल्फ हार्म कर लोगे फिर, ऐसे मत करो आप। कोई भी नहीं है दुनिया में ऐसा जो ऐसा करके खुशी होगी किसी को, और किसी को हक नहीं है आपको डिप्रेशन में डालना। इफ यू आर वर्किंग सिंसियरली, इफ यू आर हैविंग अ ट्रू इंटेंशंस विथ योर सेल्फ, इफ यू आर कीपिंग अ ट्रू इंटेंशंस विथ योर सेल्फ, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर सिंसियर, किसी का हक नहीं बनता आपको ऐसे डाउन करना। और कोई कर भी रहा है तो आपकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको है खुद रिफ्यूट के करो, उसको प्रति, उसको रिफ्यूट करो। बिंदास बोल दो, बोले मेरी गलती नहीं, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। कल को कोई आपने बिजनेस चालू करा और आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया तो मैं आपको पापा को अपने पिताजी को डिप्रेशन में डालूंगा क्या सही बात है। है? वो भी मेरे कोशिश कर रहे को हैं उस समय तो आप धमका दोगे, मेरे को आप धमकाओगे ना, बिल्कुल। फिर बोले वैसे ही मेरा है, हो जाता है।
और इतना तो आपको भी रखना पड़ेगा अपने अंदर हाँ विस्डम, हाँ उनको बोल देना, बोला इतना तो आपको भी मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुली आऊंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं केवल कर सकता हूँ काम अपना ईमानदारी से, बाकी डिप्रेशन में मत जाना बिल्कुल भी। बहुत बड़ी जिंदगी है आपकी, लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, बहुत सारे काम है अच्छे अच्छे आप कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, कोई स्किल्स एक्वायर कर लो इससे तो, और उसमें आप काम चालू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई सिंसियरली कोई स्किल जो अच्छी लगे ना आपको, वेब डिज़ाइनिंग है फॉर एग्जांपल, और भी है, आप देखो आपको काहे काहे में अच्छा कि कौन सी फील्ड आपको अच्छी लग रही है, वो एक्वायर करके उसमें जाओ फिर। क्योंकि मैंने जो अपना पर्सनल अनुभव देखा है जीवन का, उसमें देखा है कि अगर इंसान सिंसियर है, मेहनती और ऑनेस्ट है, तो कभी भी रोड्स एंड नहीं होती हैं एक एग्जाम से नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो। वो उस समय उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए ऐसा लगता है उसको उस समय ऐसा लगता है, लेकिन हर किसी का फ्यूचर होता हाँ, है, हर किसी का फ्यूचर होता सबके लिए ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है, ईमानदार जो भी हाँ। है सबके तो लिए। कहते हैं ना, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दिमाग ओपन करो यार अपना, हाँ खोपड़ा ओपन रखो अपना यार, और अपने अपने साथ इतना गंभीर मत बनो यार, मेरे को फील होता है, मेरे को दुख होता है, इतना सीरियस मत रहो यार, ठीक है यार, अपन ने अपना ट्राई किया, नहीं हुआ नहीं हुआ यार, आगे हाँ बढ़ो यार, ईश्वर का नाम लो, भगवान को साथी बनाओ अपना, ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, इमोशनली अटैच होने के कारण ही, इमोशनल अटैचमेंट ही डिप्रेशन में टर्न अप होता है। मोह जो होता है ना, मोह किसी के भी प्रति हो, मोह की जो ऊर्जा होती है वही डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। राइट मोह, एक मोह जो वर्ड है वो एक लो लो वाइब्रेशन होता है, लो वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, हर इमोशन एक एनर्जी है, उसके वो जो मोह जो होगा वो और ज़्यादा लो होगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि वो उसकी उसकी नीड आप फुलफिल कर नहीं पा रहे हो, उसको आप वो जो चाह रहा है वो उसको दे नहीं पा रहे हो, बिल्कुल इस कारण से आपको आएगा डिप्रेशन। मतलब आप ओवर सेंसिटिव मत बनो, ओवर अटैच मत हो नहीं अटैचमेंट, ज़्यादा। अटैचमेंट तो बेकार ही होता है, देखो किसी से हाँ भी हो, मैं तो हाँ डायरेक्ट बात करता हूँ, सीधी बात हाँ करता हूँ, ईश्वर के अलावा किसी से भी अटैचमेंट बेकार ही होता है, या तो सोलमेट हो आपका जो भगवान भेजेगा, एक या दो भेजेगा वो यार आपके, बाकी जो आपने अटैचमेंट पाल रखे हैं वो अगर आपको डिप्रेशन में डाल रहा है मतलब आपका अटैचमेंट सही जगह पे नहीं डाला आपने भाई, आपसे प्रेम जो करेगा ना वो तो आपको मोटिवेट करेगा, राइट बल्कि वो तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा उस समय पे, आपको हिम्मत देगा, हाँ बोले कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं यार, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हाँ तूने तेरी मेहनत की, कोई बात नहीं कोई है, बात नहीं यार, बिजनेस फ्लॉप्स नहीं होते, बिजनेसमैन के बिजनेस फ्लॉप नहीं होते क्या यार, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हो जाती नहीं होती, सही बात है। वैसी चीज़ है, घबराना नहीं है अपने को, डरना नहीं है, वो ज़्यादा मोह मत पालो यार, अभी अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, अभी तो ये देखो कि अपना रास्ता निकल जाए। गॉड ब्लेस यू।